हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में मैं न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ। आज की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को गणेश सिखाने वाली हूँ। तो आई होप आप सबको ये गणेश की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर वीडियो पर पहली बार विजिट की हो यानी कि पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना, सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज की जो गणेश है मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं गणेश की, और आज की जो गणेश है वो बिल्कुल अलग तरीके से। गणेश में बहुत सारे डिजाइन होते हैं, मैं एक एक करके सारी डिजाइन लेके आऊंगी। तो आई होप आप सबको ये अच्छी की वीडियो, अगर वीडियो पे बने रहिए और वीडियो फुल देखिएगा फ्रेंड्स। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कोशिश करते हुए कि जितना हो सके उतनी जल्दी और आप लोग का टाइम बर्बाद ना करूं और जल्दी से वो डिज़ाइन आपको बनाना सिखा दूं। अगर डिज़ाइन सीखने में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मतलब आपको समझ में नहीं आता, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से इसको आपको वीडियो अपलोड करके समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मटेरियल देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का धागा लिया है। ऑरेंज कलर की जो धागा है ये दो बंडल लगेगी, यानी कि वजन से बात करें तो 400 ग्राम। और यहाँ पे मैंने रेड कलर और ग्रीन कलर इसके साथ में कलर कॉम्बिनेशन किया है 3 कलर से। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये धागा हो गया। अब चलिए हम आपको रिंग बताते हैं। तो इसमें रिंग ओनली वन ही की ज़रूरत है, 8 नंबर की रिंग है ये। और यहाँ पे मैंने 3 कलर का मोती लिया है। ये देखिए, ये आइस के लिए मोती लिया है। ये कांटे वाली जो मोती होती है ना, बड़ी वाली, वो मोती 2 लिया है गणेश की आइस के लिए। और यहाँ पे मटके शेप की ब्लू कलर का मैंने मोती लिया है, और रेड और ग्रीन लिया है। और इसी तरीके से जो लटकन है, जो गदा बोलते हैं ना, वो ग्रीन और रेड लिया है। 2 कलर में लटकन लिया है और 3 कलर में मोती लिया है, याद रखिएगा। एज यूजुअल लाइटर एंड सीजर, तो यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का मैंने रिंग ले लिया है। और 8 नंबर की रिंग लेने के बाद इसको हम रिंग को पिनअप कर देंगे। बहुत सारे वीडियो में मुझे कमेंट आते हैं कि मैम पिनअप कैसे करते हैं, हमें बताइए। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट में आज मैं पिनअप करना भी आपको दिखा रही हूँ। तो आपको स्पॉन्जी करता होगा ना, वेट वगैरह या नीचे भी आप रखते हो, तो पिनअप अगर करना है तो एक पिल्लो भी रख दोगे तो उसमें पिनअप बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का धागा लिया है, और इसका जो मेज़रमेंट की बात करें तो 4 मीटर का धागा है। और 4 मीटर का धागा लेने के बाद इसके जो सबसे लास्ट वाले जो पार्ट है ना, उसको दोनों को सिरों को मिलाते हुए मिलाएंगे तो एक लूप बन जाती है। लूप बन जाती है ना, तो इसको ऊपर की साइड से हम लेंगे, रिंग के ऊपर की साइड से, और जो 2 धागा है ना उसको हम नीचे की साइड से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे ना, तो हमारा जो धागा है वो रिंग में अटैच हो जाता है। तो इसी तरीके से दूसरा धागा भी हम कर लेंगे, और दूसरे धागे का भी मेज़रमेंट 4 मीटर ही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे हम जितने धागे भी यूज़ करेंगे वो सारे धागे 4 मीटर के हैं, जो अलग से अटैच करेंगे। जितने भी यूज़ करेंगे 4 मीटर के धागे होंगे सारे। तो देखिए, फिलहाल हमने 2 धागा यहाँ पे अटैच कर लिया है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। और उसके बाद जो बीच का दो धागा है ना, उसको हम पकड़ लेंगे और उसमें हम एक मोती डालेंगे रेड कलर का। और आप अपनी चॉइस के अनुसार जो भी कलर यूज़ कर रहे हो वो आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की मैं यूज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेड कलर की एक मोती डाल दूंगी। तो ये देखिए, मैंने मोतियाँ डाल दी है। और मोती डालने के बाद यहाँ करेंगे हम सिंपल सा एक बेसिक नॉट लगा देंगे फ्रेंड्स। मैंने फ्रेंड्स बेसिक नॉट की पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से आप बहुत इजी तरीके से सीख सकते हो। ओनली बेसिक नॉट ही हमने वहाँ पे सिखाया है, जैसे पाइपिंग है, नॉट है, कैसे लगाएं या ट्रायंगल शेप कैसे बनाएं, बस यही सब सिखाया है उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा नॉट लगा दिया है, और फिर से एक और मैंने धागा लिया है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो इसका भी मेज़रमेंट 4 मीटर है जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो दोनों सिरों को मिलाते हुए यहाँ पर हम जो बीच का पोर्सन है ना, उसको अच्छे से थोड़ा सा हम दबा देंगे ताकि हमारा जो धागे में निशान आ जाए और हमें पता चल सके इसका जो बीच का पोर्शन है इस धागे का वो वहाँ है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एक अपने बीच वाले साइड वाले कॉर्ड को एक छोड़ देंगे, उसके बाद 2 कॉर्ड को पकड़ करके हम एक मोती डाल देंगे। और ध्यान रखिए, इसके बीच का जो धागे का था ना, उसको भी एकदम बीच में ही रखें, इधर उधर ना खिसकाएं। इसीलिए हम हाथों से थोड़ा सा दबा देते हैं ना, तो वो निशान हो जाता है। इसकी जगह पर आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मोती डालने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक सिंपल सा नॉट लगा देना है बहुत अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइट ना करें और बहुत ज़्यादा लूज़ ना करें।
तो ये देखिए, अब दूसरे साइड भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हुए धागे को अटैच कर लेंगे। 4 मीटर का धागा लेंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से हाथों से दबा देंगे और उसके बाद जो उसके जस्ट एक धागा छोड़ के बगल वाला जो धागा आएगा ना, उसमें हम एक मोती डाल देंगे और मोती डाल के सिंपल सा नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हुए दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे एक मोती डाल के सिंपल सा नॉट लगा दिया और वापस फिर से सेम प्रोसेस करेंगे और दोनों साइड में एक एक धागा अटैच करेंगे और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है और नॉट भी लगा दिया है। अब हमें सबसे ऊपर वाला कॉर्ड लेना है, 4 कॉर्ड। ये देखिए ऊपर की नॉट में से 4 कॉर्ड हमें ले लेना है। दोनों साइड के दो दो धागे लेंगे ना, तो बीच में 4 धागे बन जाएंगे और उसके बाद जो बीच का धागा होगा वहाँ पर हम एक ग्रीन कलर का मोती यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रीन कलर का मोती एक डाल लेंगे और उसके बाद दोनों बगल की साइड के एक एक धागा लेके हम यहाँ पे सिंपल सा नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल सा नॉट लगा दिया है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है और आगे बिल्कुल यही स्टेप हम रिपीट करते जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, धागा दोनों साइड में हम जोड़ते जाएंगे और उसके बाद जब तक हम धागे को जोड़ेंगे, जब तक जो ग्रीन वाला मोती है ना, वो 5 मोती तक हमें लगानी है। तो यहाँ तक हम धागा जोड़ेंगे और आगे वही स्टेप रिपीट करते जाएंगे। एक बार और फिर से देख लीजिए, एक बार और मैंने यहाँ पे धागा लगाया है और ऊपर में मैंने एक ग्रीन कलर का मोती लगाया था ना फ्रेंड्स। अब हमें नीचे की साइड में दो मोतियाँ लगानी है ग्रीन कलर की। तो बिल्कुल इसी तरीके से धागा ज्वाइंट करते जाए एक्स्ट्रा, और सारे धागे का मेजरमेंट 4 मीटर ही रहेगा। तो धागे को ज्वाइंट करते जाए और तब तक करें जब तक ग्रीन मोती नीचे की साइड से काउंट करें तो हमारे 5 ना हो जाए, तब तक धागे को हम ज्वाइंट करते जाएंगे। फ्रेंड्स आई होप आप सबको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता हो और समझ पाते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे समझाया हुआ वीडियो कैसा लगता है और वीडियो बनाती हूँ जो मैं, वो अच्छा है कि नहीं, आपको मेरे वीडियो से कितना समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे 2 मोती हमारे ग्रीन कलर के होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से अगर नीचे से काउंट करें तो हमारे 5 ग्रीन कलर के मोती आने चाहिए। इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बोला था, बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हुए हम नीचे की साइड से काउंट कर सकते हैं। टोटल 5 मोती हैं, तो इतना मैंने बनाया था। और बस मोतियों की बात करें तो अगर रेड की बात करें तो ऊपर से काउंट करेंगे तो 7 7 दोनों साइड आएगा। और धागा ज्वाइंट करने की बात करें तो यहाँ पर 12 धागे यानी कि टोटल 12 धागा हमने ज्वाइंट किया है, 6 राइट साइड और 6 लेफ्ट साइड। तो नीचे की नॉट की बात करें तो नॉट जो है हमारा वो 7 आएगा, ठीक है। तो अब हम फ्रेंड्स पाइपिंग कर लेते हैं। तो पाइपिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हो, राइट या लेफ्ट किसी भी साइड से। तो मैं यहाँ पे राइट साइड से पाइपिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, एक धागा फर्स्ट वाला कॉर्ड पकड़ना है और मैं यहाँ पे अक्सर पिन यूज़ करती हूँ ताकि हमें पाइपिंग करने में धागा इधर उधर खींचे नहीं। पिन लगा दोगे ना फ्रेंड्स तो धागा इधर उधर आपकी खींचेगी नहीं, बहुत ईजी तरीके से आप जो है पाइपिंग कर पाओगे और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला कॉर्ड मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड से पकड़ा है और राइट हैंड से हम यहाँ पे पाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो उसके जस्ट एक धागा पकड़ा था ना, उसके जस्ट बगल वाले धागे से एक धागे को 2 टाइम घुमाना है फ्रेंड्स। तो हमारी ये एक पाइपिंग मानी जाती है, यानी कि एक पाइपिंग हम लोग मानते हैं। तो सारे धागे को बिल्कुल इसी तरीके से हम कर लेंगे पाइपिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और पाइपिंग की भी वीडियो मैंने बेसिक पहले से डाल रखी है, तो आप वहाँ से चेकआउट करके सीख सकते हो आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए इसी तरीके से पूरी लंबी सारे धागे को हम पाइपिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे धागे को पाइपिंग कर लिया है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही पाइपिंग कर लेंगे और जो पाइपिंग वाला धागा आया था ना, उसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद 2 कॉर्ड लेंगे और इसमें हम मोतियाँ डाल देंगे। तो सारे में इसी तरीके से 2 2 कॉर्ड लेके हम सारे में मोतियाँ डाल देंगे। ऐसे कर सकते हैं आप कि जो पाइपिंग करके आए हैं उसको छोड़ दें, उसके बाद 2 कॉर्ड को हम 2 कॉर्ड में 2 मोतियाँ डालें और फिर 2 कॉर्ड छोड़ें, फिर 2 कॉर्ड में मोतियाँ डालें, फिर 2 कॉर्ड छोड़ दें और दोनों साइड में एक एक कॉर्ड हमें छोड़ देना है। इस तरीके से आप मोतियां लगा ले सारे में। और मोतियाँ लगाने के बाद जो हमने पाइपिंग करते हुए धागा लेके आया था ना, बिल्कुल वही धागे को हमें घुमा करके पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला कॉर्ड हमने ले लिया है। अभी हमारा जो पाइपिंग का धागा आएगा वो राइट हैंड में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड से हम पाइपिंग करेंगे, इसका खास ध्यान रखिएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइपिंग करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए जब हम पिन नहीं लगाते हैं ना तो बिल्कुल धागा इसी तरीके से इधर उधर खिसक जाता है, आपस में चिपक जाता है, तो पिन लगाना ज़रूरी होता है। अब जब हमने पिन लगा दिया है ना तो हमारा जो धागा इधर उधर खींचेगा नहीं और टाइटली हमारा जो पाइपिंग आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और हमें भी परेशानी कम होगी। तो बिल्कुल यही प्रोसेस करते हुए हम सारे धागों को पाइपिंग कर लेंगे फिर से। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पाइपिंग कर लिया है और पाइपिंग करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं डिज़ाइन अभी से ही प्यारा लग रहा है। तो पाइपिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक सिंपल सा नॉट लगा देना है, फोर फोर धागे पकड़ करके, चार धागे पकड़ करके सारे में जितने धागे हैं ना उन सारों में हमें एक नॉट लगा देना है। तो देखिए फर्स्ट मैंने लगा दिया, सेकेंड में फिर से चार धागा पकड़े और उसके बाद फिर नॉट लगाए। तो बिल्कुल यही प्रोसेस करते हुए एक लाइन हम बना करके कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद दोनों साइड से दो दो कॉर्ड छोड़ दें और उसके बाद छोड़ने के बाद जहां आपको बीच में दो डिस्टेंस लग रहे हैं ना वहां से हम एक फोर कॉर्ड को लेंगे, दो कॉर्ड इस वाले नॉट से और दो कॉर्ड राइट वाले नॉट से, दोनों साइड से दो दो कॉर्ड लेंगे तो हमारे फोर कॉर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद उसकी जहाँ गैप दिख रही है वहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिंपल सा नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट लगा दिया था और सेकंड अब लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से ये पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड लाइन भी मैंने यहाँ पे बना लिया है और सेकंड लाइन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने जूम भी किया है ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि दोनों साइड में से फिर से हमें दो दो कॉर्ड छोड़ देना है और जो गैप दिखेगी ना वहाँ पे हमें फिर से उस लाइन में कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाले नॉट में हमारा सेवन आएगा, फिर उसके नेक्स्ट में आएगा सिक्स, फाइव, फोर, टू, वन, इस तरीके से करके हम एक सिंपल सा नॉट लगा लेंगे। नॉट यहाँ तक लगाएंगे जो हमारा जो लास्ट का नॉट आएगा वो टू नॉट तक हम लगा करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन भी कंप्लीट किया है और फोर्थ में भी बिल्कुल उसी तरीके से साइड से दो कॉर्ड छोड़ेंगे और उसके बाद सारे में हम एक ट्रायंगल शेप का बना लेंगे। लास्ट का जो कॉर्ड आएगा वो टू आएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हो दो लास्ट का जो कॉर्ड है वो टू है। मैंने यहाँ पे एक वाला नॉट नहीं लगाया, टू तक लगा के छोड़ दिया है क्योंकि जो गणपति का टीका का पोर्शन होता है ना वो बनाना है। तो वहाँ पे बीच का दो कॉर्ड ले लें वहाँ पे और रेड कलर का मोती डाल दें। यहाँ पे दो मोती डालना है रेड कलर का ही, यहाँ पर टीका के लिए रेड ही यूज़ करें, अदरवाइज और कोई कलर यूज़ ना करें नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि टीका तो रेडी होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टीका के लिए मोतियाँ डाल दी है और उसके बाद फिर से साइड के दो कॉर्ड पकड़ के यहाँ पे एक सिंपल सा नॉट लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिंपल सा नॉट लगा दिया है जैसे कि आप सबको दिख रहा है। और चलिए अब आइस बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाला कॉर्ड लेना है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड से हमें पाइपिंग करनी है। ये देखिए तो आप इस साइड से या उस साइड से, दोनों साइड से भी पहले बनाना शुरू कर सकते हो, आपको जिस साइड से इजी लगे आप बना सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वाला कॉर्ड लिया है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड से मैं कंटिन्यू पाइपिंग कर रही हूँ और सारे धागे को पाइपिंग कर लेंगे। जस्ट मोती के जो बगल में धागा है ना वो नीचे का नहीं लेंगे, ओनली मोती के साइड तक जितना धागा है जो हमने मोती के सामने तक यूज़ नहीं किया है उतना ही धागा को लेकर के हमें पाइपिंग करना है। और फिर वापस से अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हमने जो सिंपल सा नॉट लगाया था ना मोती में डाल के वो धागा में से एक धागे को पकड़ना है फर्स्ट वाले धागे को और उसके बाद आई का शेप दे देना है। तो उसी धागे को हम करते हुए एक और एक बार और हम लगा लेंगे। और फर्स्ट में क्या होता है ना कि सारे को हम पाइपिंग करते जाएंगे अच्छे से चिपकाते हुए जैसा कि आप लोग दिख रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम सारे को पाइपिंग कर लेंगे और लास्ट का जो कॉर्ड आएगा ना फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे लास्ट फाइव कॉर्ड बचेगी उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको लूज बनाएंगे और डिस्टेंस देते हुए जाएंगे, आईब्रो की शेप बनानी है अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइव कॉर्ड छोड़ दिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस देते जाना है। कितना देना है आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देते हुए हम सारे धागे को हम यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए इतना मेजरमेंट कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला कॉर्ड आएगा ना 1 1 इंच
जितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए आईब्रो की शेप काफ़ी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल आईब्रो जैसी लग रही है, राउंड शेप है ना। तो इसी तरीके से दोनों साइड में हमने बना लिया है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आइस का ये वाला डिज़ाइन। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड से 5-5 कॉर्ड छोड़ने के बाद जो बीच का कॉर्ड आएगा ना दो, उसमें पकड़ करके हमें एक मोती लगा देना है। तो देखिए मैंने बीच का दो कॉर्ड पकड़ लिया है, और उसके बाद एक जो हमने कांटे वाली मोती रखी थी ना मल्टी कलर की, वो हमें लगा देना है। कांटे वाली मोती में आप ब्लैक कलर की भी यूज कर सकती हो, बट मैंने यहाँ पर मल्टी कलर ही यूज़ मैं करती हूँ, तो इसलिए मल्टी कलर ही ली हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि जो हमने नॉट लगाया था उसी में से हमें एक धागा और फिर से ले करके हमें पाइपिंग करते जाना है। फर्स्ट में बिल्कुल चिपका के करें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देते हुए इस तरीके का आई शेप बनाते हुए हमें पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल दो कॉर्ड कर लिया था, थर्ड में मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा मैंने जूम किया है और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देते हुए एक आइस का शेप बना लेंगे। डिस्टेंस तब तक देंगे जब तक हम मोती के पास नहीं पहुँच जाते, और जैसे ही मोती के पास का एक धागा हम पाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद जब दूसरा करेंगे तीसरे में हम फिर से यहाँ पर डिस्टेंस जो है गैपिंग है वो कम करते जाएँगे। जैसे हम बढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए आए थे ना बिल्कुल मोती तक करने के बाद, फिर थोड़ा थोड़ा हम कम करते हुए वापस से हम आइस में जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको पूरा चिपका करके हमें पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी आइस बन गई है, और बहुत इजी तरीके से बन गई है। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों साइड में बना ले, और आइस को कोशिश करें कि हमेशा एक जैसा ही बनाने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे आइस हमारी बन गई है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है कि गणपति जी को पलट लेना है। पलटने के बाद जो हम नए आइस का पाइपिंग करते आए हैं ना, उसको दूसरे साइड में हम बांध लेंगे, या सिंपल सा नॉट लगा लेंगे, जो भी आप बोल सकते हो। तो बांधने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप चाहो तो फ्रेंड्स पिन लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम बांध लेंगे, और बांधने के बाद अब हमें क्या करना है कि डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा सा इसको करेंगे, बहुत ज़्यादा मोड़ेंगे नहीं, नहीं तो अभी से हमारी जो गणेश है वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो बहुत ज़्यादा मोड़ना नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट धागा ले करके हमें पाइपिंग कंटिन्यू फिर करते जाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दूसरी लाइन भी बिल्कुल बना करके रेडी कर लिया है पाइपिंग, जैसे हमने ऊपर किया था ना बिल्कुल वैसे ही स्टेप रिपीट करके पीछे की साइड में हम घुमा लेंगे। अब पाइपिंग कर लेना है, और पीछे की साइड अब हम घुमा लेंगे। हम पीछे की साइड में ये देखिए जो हमने पहले रखा था ना उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कम रखेंगे, मतलब आधे इंच से भी कम डिस्टेंस रखेंगे, और उसके बाद मतलब छोटा कर देंगे। कहने का मतलब है जो पहले वाला जो धागा बड़ा था ना, इस बार हम करेंगे तो थोड़ा सा छोटा धागा हम रखेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे, बिल्कुल उससे कम, पहले वाले से कम रखना है। और वापस से सेम प्रोसेस करते हुए ये देखिए अगर उंगलों की नाप करें तो ना आधे इंच से भी कम है, और सेम प्रोसेस करते हुए हम घुमा करके फिर से हम पाइपिंग करना शुरू कर देंगे। तो यही स्टेप हमें बार बार करते जाना है। तो ये देखिए ये तीसरा लाइन भी मैंने कंप्लीट कर लिया, और फिर से वापस से इसको घुमा लेना है, और घुमाने के बाद वापस से फिर इस बार और थोड़ा सा कम करना है। आप अपने अंदाज़ा से कम कर सकते हैं कि इतना होना चाहिए कि जो सातवां लाइन होगा ना उसमें आपकी जो ये जगह है गैपिंग है वो गैपिंग बचनी नहीं चाहिए। सातवें वाले लाइन में पूरी आपस में ये एक दूसरे में नॉट चिपक जानी चाहिए। इस तरीके से आप धागा छोटा करते जाना, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो आधा इंच या आधा इंच से ज़्यादा मत करना, थोड़ा थोड़ा कम करते हुए हम बाकी सारे पाइपिंग कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए मेरा चौथा लाइन भी कंप्लीट हो गया, और फिर से वापस से मैं आपको फ्रेंड्स मैं पीछे का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे एक धागा उसी में से लेकर के हमें एक पक्का पाइपिंग कर लेना है, या हमें यूँ कहें कि अच्छे से पाइपिंग कर लेना है, बहुत टाइट नहीं बहुत लूज़ नहीं। और करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए और डिस्टेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल 1 फिंगर जितना हो गई है, और उसके बाद फिर से हम पाइपिंग कर लेंगे। फिर से पाइपिंग करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 5
धागे को पैपिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस बार हमें ज़्यादा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, मैंने एक बार एक धागे को लिया और एक बार ये पैपिंग किया ना, ये देखिए एक बार हमने इसको पैपिंग किया और उसके बाद दूसरी टाइम भी किया। तो ये दो पैपिंग हमने एक धागे को दो बार घुमाएंगे तो हमारा ये पैपिंग कहलाता है। तो इसी तरीके से अभी वन फिंगर से भी कम जितना डिस्टेंस देंगे और बाकी धागे को हम पैपिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, पांचवा लाइन बनाने के बाद छठा लाइन में मैंने आधा बना लिया है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आधी जितनी हम यहाँ पे पैपिंग कर लेंगे छठे लाइन में, और छठा लाइन में पैपिंग आधा कर ले। आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो ऊपर से बीट्स लगाए ना उसके जस्ट सामने तक आधी हमें लेफ्ट साइड में पैपिंग कर लेनी है, और सॉरी राइट साइड में पैपिंग कर लेनी है, और जो लेफ्ट साइड जा रहा है ना उसमें हमें एक सीधी जो हम पैपिंग कर रहे हैं जो धागा को सीधा वाला पकड़ रखे उसमें हम एक रेड कलर का धागा अटैच करेंगे और नीचे की साइड से ऊपर की साइड हम धागा निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और दोनों साइड का धागे को एक एक बार घुमाते हुए हम पैपिंग भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस धागे का जो मेजरमेंट है वो तीन मीटर है। तो यहाँ पे 3 मीटर का मैंने रेड कलर का धागा लिया है जो इसमें अटैच कर रही हूँ। ये देखिए दोनों साइड का सिरे को लेकर के ना हमें एक बार पैपिंग कर देना है। तो हमारे 4 यहाँ पे हो जाएंगे अगर नॉट की बात करें तो 4 हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट उसी के सामने वाला हम धागा को, तो फ्रेंड्स ये देखिए पैपिंग करने के बाद जो रेड कलर का है उसको पैपिंग कर देंगे ना, उसके बाद नीचे से हम रेड कलर के सामने वाला एक कॉर्ड को हम छोड़ देंगे और बाकी सारे जो धागे बचेंगे उससे हम कंटिन्यू जैसे पहले पैपिंग कर रहे थे ना वैसे ही कंटिन्यू हम बाकी आगे पैपिंग करते जाएँगे। तो ये देखिए सारे हम इसी तरीके से पैपिंग कर लिए हैं, और देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो ये लाइन है वो पीछे की साइड से अगर काउंटिंग करें तो यहाँ पे मैंने पांचवा लाइन है, तो पांचवी लाइन में वल्ली 1 से 1.5 इंच जितना डिस्टेंस बच गया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये इसको और डिस्टेंस कम कर देंगे, यहाँ पे आधी इंच जितना डिस्टेंस छोड़ेंगे और उसके बाद बाकी सारे धागे को हम पैपिंग कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो 7वां लाइन आएगा ना, 7 वाला लाइन आएगा उसमें बिल्कुल धागा छोड़ना नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे में चिपक जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे धागे को फिर से पैपिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पैपिंग कर लिया है, और उसके बाद हम पीछे की साइड वापस फिर से हम दिखा रहे हैं। तो 7 जो लाइन है वहाँ पे 7 लाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि धागे को अच्छे से पकड़ते हुए हम सारे धागे को पैपिंग करते जाएंगे। इस वाले लाइन में हम कोई भी डिस्टेंस धागे में नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे में अच्छे से चिपकाते हुए हम पैपिंग करते जाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हुए हम सारे धागे को पैपिंग कर लेंगे, और यहाँ पे टोटल मैंने पैपिंग कर लिया है, यहाँ पे टोटल मैंने 9 टाइम पैपिंग कर लिया है। और 9 टाइम करने पैपिंग करने के बाद आगे वही स्टेप रिपीट करते हुए यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे जो 15 लाइन है वो कंप्लीट कर लिया है। और आगे यहाँ पे धागा आपका कम पड़े तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। 15 लाइन के बाद जो हमारा 16वां लाइन होगा यानी कि 16वां लाइन में हमें धागा को कट करना है। इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे शाम हो गई है तो इसलिए अंधेरा दिख रहा है। तो यहाँ पे 16 जो लाइन आएगी ना वहाँ पे जस्ट जो हमने पीछे लाइन धागा में डिस्टेंस छोड़ा था ना उसी लाइन को पकड़ के जो नीचे का जो धागा आएगा उसको हम कट करके स्टिक कर देंगे अंदर की साइड। और इसी तरीके से हमारा क्या करना है कि आगे पाइपिंग चलती रहेगी कंटिन्यू, पूरी पाइपिंग ऐसे ही चलेगी। अब जैसे हमने ये धागा बना के हम जा रहे हैं ना, बिल्कुल जो आगे फिर दूसरी धागी आएगी, जैसे कि यहाँ पे टोटल मैंने 16 टाइम पाइपिंग कर लिया है और 16 में हमने धागा एक कट किया है, फिर 17 में एक धागा कट होगा, 18 में होगा, 19 में होगा। तो ऐसे ही करते करते हम सारे धागे को एक एक लाइन करके हम बनाएंगे, और धागे को पीछे की साइड ही कट करें, इतना ध्यान रखें क्योंकि कहीं से भी धागा कट ना करे, नहीं तो आपका सूट का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा पीछे की साइड से ही धागा कट करें जहाँ से हमने धागा डिस्टेंस छोड़ा था ना उसके जस्ट। तो फ्रेंड्स ये देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था बिल्कुल वही स्टेप रिपीट करते हुए यहाँ पे हमने 39 लाइन कंप्लीट कर लिया है। 39 टाइम हमने यहाँ पे पाइपिंग किया है, ऊपर से हमने 5 लाइन जो पाइपिंग किया था उसको मैंने बिल्कुल सिंपल वाला किया था। 6 वाले लाइन में हमने
रेड कलर का धागा अटैच किया था। वहाँ से टोटल 15 लाइन हमने ऐसे ही पाइपिंग किया था, कोई धागा कट नहीं किया था। और 16 लाइन में हमने एक धागा कट किया, फिर 17 में एक किया, 18 में एक किया, और ऐसे ही करते करते मतलब 15 के बाद ना जितने लाइन जाएंगे सारे लाइन में एक एक धागा कट करते हुए हम यहाँ पे 39 लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो 39 लाइन हमने यहाँ पे पाइपिंग कर लेनी है, और बहुत ध्यान से करें। और ये सूर की जो शेप है वो आप पाइपिंग करते समय ध्यान रखें, जितना ज़्यादा टाइट पाइपिंग करिएगा उतनी अच्छी आपकी गणपति में फिनिशिंग आएगी। तो टर्न सूर अपने आप ही टर्न ले लेता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने अब जो लाइन है उसको हमने बाकी सारे धागे को कट कर देना है और कट करके स्टिक कर देना है। तो ध्यान से देखिए जो हमारी रेड वाली धागा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिया था और पाइपिंग करने में पूरी ख़त्म हो गई थी। तो अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो रेड धागे में और धागा ज्वाइन कर ले और आगे ऐसे ही कंटिन्यू पाइपिंग करते जाएँ। बट मुझे इतनी ही लंबी सूर चाहिए इनकी, तो इसके बाद मैंने सारे धागे को कट कर दिया है। और कट करने के बाद अच्छे से स्टिक कर दे। अगर स्टिक नहीं कर पा रहे हैं तो इसको क्या करें फ्रेंड्स कि अंदर की तरफ डाल दें, मतलब एक क्या बोलते हैं सीजर की हेल्प से पूरी अंदर की तरफ डाल देंगे ना तो भी सही रहेगा, क्योंकि जो मैंने धागा कट किया था वो थोड़ा सा लंबा ही किया था तो इसके अंदर भी चला जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस डिज़ाइन में। तो इतना ध्यान रखिएगा ठीक है। और जो मैंने स्टेप बताया है बिल्कुल वही स्टेप रिपीट करना है फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे सूर को टर्न करना इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आप पीछे से एक एक धागा कट करते जाओगे ना तो अपने आप ही जो सूर है वो टेढ़ी होती रहेगी। फिर भी आपको समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मैम ने पहले भी वीडियो डाल रखी है उसको भी एक बार चेकआउट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे धागे को क्या किया कि अंदर की तरफ डाल दिया, और उसके बाद लास्ट के 2 धागे को हम ऊपर से चिपका देंगे क्योंकि जो हमने धागे को अंदर डाला है वो निकले नहीं, इसलिए ऊपर की तरफ से हम अच्छे से 2 धागे को चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने धागे को अच्छे से चिपका लिया है, आप देख सकते हो। और चिपकाने के बाद जो हमारा सूर है वो बनकर के रेडी हो गया और बहुत अच्छे से टर्न लिया है, और कहीं से भी लूज़ या टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जैसा ही पाइपिंग करते आइए, सूर अपने आप ही टर्न हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमने पीछे की धागे में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा था ना, बिल्कुल यहाँ पर मैंने 7 लाइन में हमारे जो हैं वो कम्प्लीट हो गए थे, और 7 लाइन में मैंने यहाँ पर पूरी चिपका दी थी। आप लोग ऐसे भी करोगे तो दिख जाएगा। वहाँ के बाद आगे उसके बाद हम कंटिन्यू बनाते गए लाइन, और वहाँ से हम पीछे से फिर से काउंट करें तो उसके जस्ट सामने वाले से कट किए हैं, और उसके बाद फिर दूसरी लाइन में हर लाइन में फिर एक एक धागा हमने कट करती गई हूँ। तो इस तरीके से करने से हमारा जो सूर है वो अपने आप ही टेढ़ी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप लूज सूर बनाओगे पाइपिंग लूज करोगे तो आपकी सूर बिल्कुल टेढ़ी नहीं होगी, वो सीधी पड़ जाएगी। तो इसमें क्या है कि आप जब पाइपिंग कर रहे हो तो जितना अंदर ताकत है ना आपके अंदर उतनी सारी लगा देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सूर बनाने के लिए हमने मोती लगाया था ना, और जो नीचे की साइड में हमने पाइपिंग किया था बिल्कुल वहीं पे हमें फर्स्ट वाला कॉर्ड अटैच करना है। और जो कॉर्ड हमने लिया है ये 2 कॉर्ड है और इसका मेजरमेंट 2 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 मीटर का 2 कॉर्ड लेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लूप है उसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा सीजर की हेल्प से हम इसको होल कर लेंगे, जो हमने पाइपिंग किया था ना मोती डालने के बाद वहाँ पे जो होल कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद 2 धागे को हम सीजर की हेल्प से डाल देंगे क्योंकि होल तो वहाँ पे रहती नहीं है। तो सीजर की हेल्प से अगर हम धागे को अटैच करेंगे तो बहुत इजी तरीके से और आसान से जल्दी से अटैच हो जाती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 धागे को अटैच कर लेना है इस तरीके से, और दोनों को सिरे को इक्वल कर लेना है, जो लास्ट का जो धागा होगा ना उसको दोनों को इक्वल कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए करने के बाद बड़ा छोटा जो आएगा आप थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो इक्वल करने के बाद जो बीच का जो 2 कॉर्ड आएगा ना फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 2 डाल दिया, तो बीच का जो 2 कॉर्ड आएगा ना उसमें हमें क्या करना है कि ब्लू कलर की मोती डाल देनी है बीच वाले 2 कॉर्ड में, ठीक है। तो बीच वाले 2 कॉर्ड में बहुत ध्यान से करें, इधर उधर धागा खींचना नहीं चाहिए, तो बहुत ध्यान से करें और बीच वाले के 2 कॉर्ड में हमें एक ब्लू कलर की मोती डाल देनी है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की एक मोती डाल दिया है, और डालने के बाद वही स्टेप बहुत पुराना वाला सिंपल सा एक नॉट लगा दे मोती डालने के बाद। फ्रेंड्स एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करिएगा, और आप लोग भी ज़रूर इसको फुल वॉच करिएगा। अगर आप लोग ये डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा नॉट लगा दिया है, उसके बाद जस्ट ऊपर में एक और जो लास्ट में आईब्रो का जो हम शेप दे रहे थे और पाइपिन किए थे वहाँ पर हमें एक धागे को अटैच करना है। तो देखिए फिर से मैंने दो मीटर का दो कॉर्ड लिया है, और उसके बाद उसके नीचे वाले पाइपिंग के बाद जो होल है ना उसमें थोड़ा सीजर की हेल्प से होल करना है, और उसमें हमें दोनों धागे को डाल लेना है। और डालने के बाद जैसा हमने पहले किया था कि दो कॉर्ड को पकड़ना है और उसमें एक मोती लगाना है और फिर सिंपल सा नॉट लगाना है, तो यही स्टेप रिपीट करेंगे इस वाले धागे में भी। तो देखिए यहाँ पे डालने के बाद फिर से दो कॉर्ड लेंगे, और जो आईब्रो का बीच का डिस्टेंस है ना वहाँ पे दो कॉर्ड डालेंगे, और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे दो कॉर्ड को लेकर के मोती लगाएंगे, फिर सिंपल सा पैपिन, उसके बाद आइस में डालेंगे और एक होल में डालेंगे। इसी तरीके से करते हुए हम सारे धागे को अटैच करेंगे। यहाँ पर जो धागा हमने कट किया था वो टोटल 14 का धागा कट किया था, यानी कि 14 धागा हमने कट किया था, और 14 धागे को कट करने के बाद अगर जो हम इसमें अटैच करेंगे तो टोटल 7 नॉट आएंगे। फर्स्ट जो नॉट आएगा वो 7 आएगा, और 14 धागा हमने यहाँ पे कट किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे कर लिया है, और आइस तक मैंने दिखाया था, उसके बाद बीच का एक होल छोड़ देंगे, फिर सेकेंड वाले में हमने धागा अटैच किया, फिर से एक छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद वाले जो होल है उसमें हम दो धागे को अटैच करेंगे। तो टोटल यहाँ पे टोटल 7 जो मोती हैं उसको हमने अटैच किया, और जो नॉट है वो भी 7 आया। धागे की बात करें तो 14 धागे हमने यहाँ पर टोटल अटैच किए हैं, ठीक है। तो 14 एक साइड में और 14 एक साइड में, टोटल यहाँ पर 28 धागा की हमें कट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका जो मेजरमेंट है वो 2 मीटर है, एक धागे की 2 मीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों साइड में हम दो कॉर्ड छोड़ देंगे, और उसके बाद जो बीच का जो डिस्टेंस दिखेगा उसमें हम एक सिंपल सा नॉट लगाएंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जब आप बनाओगे तो खुद ही आपको यहाँ पे बीच में गैप दिखेगी, वहाँ आपको खुद ही ध्यान से लगाना है नॉट, और एक एक नॉट सारे जगह लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से करते हुए हम टोटल 7 लाइन यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे। तो ये देखिए मेरा दूसरा लाइन हो गया है, और जो दूसरा लाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि दूसरा लाइन करने के बाद जो हमने पहले लाइन में जो दो धागा छोड़ा था ना वो उसको वापस फिर से ले लेना है, और यहाँ पे सिंपल सा नॉट लगा देना है। तो जैसे हम टेडी का झूला में करते हैं ना, एक लाइन में हम दो धागे छोड़ देते हैं और फिर सेकंड वाले लाइन में फिर उस दो धागे को वापस ले लेते हैं, बिल्कुल वही स्टेप यहाँ पर रिपीट करना है, और टोटल 7 लाइन बना करके कम्प्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा तीसरा लाइन भी हो गया है, मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो तीसरे लाइन में फिर से हम दो धागा छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर से उसके बाद वाली लाइन में फिर से दो धागे को वापस ले लेंगे। तो फिर से यही स्टेप रिपीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 7 लाइन बनाया है, पूरा ऊपर से काउंट करना है, जहाँ से हमने मोती डाला था वहाँ से। अगर नीचे ओनली नॉट की बात करें तो नॉट हमारे 6 आएंगे। ये देखिए अगर लूप की बात करें, साइड का जो लूप होता है उसकी बात करें, तो यहाँ पे साइड का लूप 3 आएगा, ठीक है। दोनों साइड में 3-3 आएंगे। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट में 2 कॉर्ड हमने छोड़ा था, सेकेंड वाले में फिर से 2 कॉर्ड छोड़ना है, उसके बाद हमें एक सिंपल सा नॉट लगाना है, 2 नॉट लगाने हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ये वाला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, तो ध्यान से देखकर ही बनाइएगा, नहीं तो आपकी फिर गलत बन जाएगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए जब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो 4 कॉर्ड साइड से छोड़ देंगे, और उसके बाद 2 नॉट हम लगाएंगे। ये देखिए एक मैंने लगा दिया और एक और मैं अभी लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 नॉट लगा दिया ना फिर से, और उसके बाद हम फिर से एक बीच में 2 नॉट के बीच में 1 नॉट लगाएंगे। दो कॉर्ड फिर से साइड में हम छोड़ देंगे, और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। कहने का ये मतलब है कि जो धागा है दोनों में दो कॉर्ड छूटते जाएंगे, और उसके बाद जो लास्ट वाला कॉर्ड होगा वो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए हम एक शेप हम बना लेंगे, और बिल्कुल यही स्टेप रिपीट करते हुए हम राइट साइड में बिल्कुल सेम प्रोसेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 धागा छोड़ा ना, और 2 धागा फिर से वापस से हमें छोड़ देना है।
तो ये देखिए दो धागा हमने फिर से छोड़ा, फोर धागा टोटल हो गए ना। उसके बाद हम यहाँ पे फोर कॉर्ड को पकड़ के दो नॉट हम लगाएंगे। जैसे फोर कॉर्ड पकड़ा तो एक नॉट लगाएंगे, फिर से फोर कॉर्ड पकड़ा तो एक नॉट लगाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पे फोर कॉर्ड छोड़ने के बाद दो नॉट हमें लगाने हैं और उसके बाद फिर एक नॉट लगाने हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके का हमारा जो डिज़ाइन है वो बन गया है। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड से फर्स्ट वाला कॉर्ड लेना है और बाकी सारे कॉर्ड को हमें पाइपिंग कर देना है। तो ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड में सीधी वाली जो धागे होती है ना माइक्रम, एक वो पकड़ा है फर्स्ट वाला और राइट हैंड से मैं यहाँ पर पाइपिंग कर रही हूँ। तो एक एक धागे को पकड़ के सारे धागे को हमें इसी तरीके से पाइपिंग कर देना है। एक धागे को टू टाइम घुमाएंगे तो हमारा पाइपिंग बनता है इस तरीके से। तो बिल्कुल इस तरीके से जैसा हमने नॉट लगाया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें पाइपिंग करना है, एकदम उसी में चिपकाते हुए सारे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टोटल पाइपिंग कर ली है और बिल्कुल नॉट जो हमने लगाया था उसी में चिपकाते हुए पाइपिंग किया है। और जो पाइपिंग करते हुए हम धागा जो लेके आए हैं ना, उसी धागे को वापस से घुमाना है और एक और बार हमें पाइपिंग कर लेनी है। तो ये देखिए अभी हमें क्या करना है, राइट हैंड से हमको धागा पकड़नी है और लेफ्ट हैंड से हमें पाइपिंग करनी है। तो एक धागे को टू टाइम घुमाएंगे तो हमारा इस तरीके से हम पाइपिंग बनाते हैं और बिल्कुल जो पहले वाला जो हमने पाइपिंग किया था ना उसी में चिपकाते हुए हम अच्छे से पाइपिंग कर लेंगे सारे धागे को। तो एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ टर्न का है। तो ये देखिए इस तरीके से आप पाइपिंग करके ले आओगे ना तो थोड़ा सा आप जो गणपति जी हैं उसको सीधे साइड कर लेना है और इसके बाद फिर से आपस से एक पहले वाले पाइपिंग में चिपकाते हुए हमें पाइपिंग कर लेना है। तो पूरी पाइपिंग बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। और थोड़ा टाइटली ये पाइपिंग करें, लूज़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो डिज़ाइन फिर आपको अच्छी नहीं दिखेगी। तो अगर एक तरह से देखें फ्रेंड्स तो ये एकदम थ्री का डिज़ाइन लग रहा है ना, कि थ्री जैसा है। तो थ्री हमें बना लेना है अच्छे से पाइपिंग करके। तो देखिए मैंने यहाँ पे टू टाइम पाइपिंग कर लिया है सारे धागे को और जो हमारा पाइपिंग वाला धागा आया था उसको अब हम छोड़ देंगे और फिर एक ऊपर की साइड से भी धागा छोड़ देंगे और उसके बाद दो दो धागे को पकड़ के, यानी कि दो धागा पकड़ करके हमें उसमें एक मोती लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने दो धागा पकड़ा, फर्स्ट वाला एक धागा छोड़ दिया, उसके बाद दो धागा पकड़ा और उसके बाद एक मोती उसमें डाल देनी है। ये देखिए और फिर से नेक्स्ट वाला वही करना है, दो धागे पकड़ने हैं और फिर से मोती डाल देना है। यही स्टेप रिपीट करते हुए सारे धागे में हमें मोती डाल देना है। तो यहाँ पे टोटल मोती हमारे जो आएंगे वो 13 मोती होंगे, यानी कि 13 मोती टोटल हमारे एक कान में 13 मोती लगते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ सारे में मोतियाँ डाल दी है और दो धागे में एक मोती डाला है और बाकी दोनों साइड का फर्स्ट वाला कॉर्ड मैंने छोड़ दिया है। तो अब उसी वाले कॉर्ड से हम ऊपर की साइड से पाइपिंग करते हुए आएंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमें राइट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से हमें पाइपिंग करना है। तो ये देखिए हमने पाइपिंग करना शुरू कर दिया है, फर्स्ट वाला जो कॉर्ड है उसको ले लिया था और उसके बाद से पाइपिंग कर रही हूँ। तो सारे धागे को जो हमने मोती डाल के रेडी किया है ना, वो सारे धागे को बिल्कुल इसी तरीके से एक धागे को टू टाइम हमें पाइपिंग कर लेना है और इस तरीके से हमें अपना कान का डिज़ाइन कम्प्लीट करना है। पूरे धागे को हमने पाइपिंग बिल्कुल वही वाली थ्री वाली शेप देते हुए पाइपिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग कर लिया है और जो लास्ट वाला जो कॉर्ड हमने छोड़ा था ना उसको भी हम पकड़ के पाइपिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स मुझे जहाँ भी लगता है कि आपको क्लियर वीडियो देखने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं चलाती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं तो एक बार चेकआउट करके देखिएगा, हर चीज़ की मैंने बेसिक वीडियो डाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से इसको जो हम धागे को पाइपिंग करते हुए आए थे ना उसी धागे को फिर से घुमा करके हमें एक बार और पाइपिंग कर लेनी है एक लाइन। जैसे हमने मोती लगाने से पहले दो लाइन पाइपिंग की थी ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी दो लाइन हम पाइपिंग कर लेंगे और यहाँ पर भी, यहाँ थोड़ा सा चिपका के ही करें और टाइटली ही करें, ठीक है, लूज़ बिल्कुल ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आधा बना ली हूँ और आपको दिखा रही हूँ फिर से।
पाइपिंग करना। तो देखिए यहाँ जो थोड़ा सा झुकी हुई आती है ना शेप थ्री जैसा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन ध्यान से करें ठीक है, तो बहुत सुंदर डिज़ाइन आएगा अगर आप ध्यान से करोगे तो। तो पूरी धागे में पाइपिंग हम कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट का जो कॉर्ड है उसका मैंने यहाँ पे पाइपिंग कर ली हूँ और सारे धागे मेरे फाइनली पाइपिंग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि इसको ऐसे ही हमें छोड़ देना है और उसके बाद हम दूसरे साइड का जो ईयर है यानी कि कान है जो हमने पहले बनाया था ना, वही स्टेप पूरा रिपीट करते हुए दूसरे साइड भी हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूसरे साइड भी दोनों साइड में सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बना लिया है, कान ईयर बना लिया है गणपति जी का। और अब हम चलते हैं रिंग की तरफ। तो रिंग को हम डिज़ाइन बनाना हम आपको अभी बताएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिंग को सीधी कर दिया है और उसके बाद ग्रीन कलर का धागा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर का धागा ले लेना है और उसको जैसे हम रिंग में धागा अटैच करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से धागे को अटैच कर देना है। टोटल 8 धागा हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने का तरीका बहुत मैंने पहले बताया था कि ऊपर की साइड से धागे को हम लेंगे और नीचे का जो लूप बनेगा उसमें से हम 2 धागे को निकाल देंगे। तो बिल्कुल यही स्टेप करते हुए हमें यहाँ पे टोटल 8 धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 8 धागा मैंने अटैच कर लिया है रिंग में, आप देख सकते हो। तो टोटल 8 धागा हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि एक सिंपल सा नॉट लगा लेना है, 4 कॉर्ड लेना है और उसके बाद एक सिंपल सा नॉट लगा लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल यही स्टेप पूरे लाइन में हमें करना है, यानी कि हमने 8 धागा अटैच किया था तो यहाँ पे टोटल जो नॉट आएंगे वो 4 नॉट आएंगे। तो फर्स्ट वाला 4 नॉट हम बना करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर लिया है और 4 नॉट आए हैं फर्स्ट वाले में। अब हम दोनों साइड से एक कॉर्ड छोड़ देंगे और उसके बाद हम फिर से जो डिस्टेंस दिख रहा है वहाँ पे फिर से सिंपल सा सिंपल सा नॉट लगा देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले में हमारे 4 नॉट आए थे तो सेकेंड वाले में हमारे 3 नॉट आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया है और देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉट है वो 3 नॉट आई है, ओनली 3 है। और ऊपर से बिल्कुल अब हमें क्या करना है कि देखिए 3 धागा जो साइड से है ना वो 3 धागा हम ले लेंगे और एक धागे को हम लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और राइट हैंड से 2 धागे को हमें पाइपिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 धागे को पाइपिंग कर लिया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, उसके जस्ट जो नॉट हमने लगाया था उसी में से एक बार और धागा ले लेंगे और उसके बाद धागा लेने के बाद फिर से 2 जो हमारा जो धागा है उसको 2 धागे को हम पाइपिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट वाला धागा ले लिया और उसके बाद जो साइड वाला जो 2 धागा है उसको हम पाइपिंग करेंगे। 1 हो गया और ये देखिए 2, तो 2 धागे को हमने यहाँ पे पाइपिंग कर लिया है 2 धागे को। और उसके बाद सेम जस्ट उसके बगल वाला जो धागा है वो हम भी ले लेंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस करते हुए हम पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड में पाइपिंग कर लिया और सेम रिपीट करते हुए यहाँ पे भी दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे धागे को और उसके बाद हम एक धागे को पकड़ेंगे और 2 धागे को हम पाइपिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों मैंने सेम डिज़ाइन करते हुए पाइपिंग कर लिया है और इस तरीके का हमारा पाइपिंग आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो 4 कॉर्ड बीच में आते हैं ना उसको हमें पकड़ करके यहाँ पे सिंपल सा एक नॉट लगा देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा नॉट लगा दिया है और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बन गया है। अब हमें साइड वाले में जो 4 कॉर्ड आ रहे हैं ना उसमें से हमें, ये देखिए 4 कॉर्ड हो गया ना, उसमें से बीच वाला जो 2 कॉर्ड है उसको पकड़ करके हम इसमें मोती लगा लेंगे। और मोती यहाँ पे मैं रेड कलर की ही यूज़ कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे आप धागा ले रहे हो ना उस हिसाब से आप मोती ले सकते हो। तो यहाँ पे रेड कलर का जो मोती है उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने मोती को डाल दिया है इसमें और बीच वाले 2 धागे में। और उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमने साइड में पाइपिंग किया था ना उसी को घुमा करके हमें 2 धागे को पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला से पाइपिंग कर रही हूँ और उसके बाद फिर से सेकेंड वाले से पाइपिंग कर रही हूँ। ये देखिए, तो हमारा 2 धागा यहाँ पे पाइपिंग हो गया है। अब हम क्या करना है कि जस्ट इसके बगल वाला है ना बिल्कुल सेम वही 2 धागे को हम वापस से फिर से पाइपिंग कर लेंगे।
तो देखिए फिर से हमने यहाँ पे दो धागे को पाइपिंग कर लिया है और फिर से वापस से जो हम लेफ्ट साइड में है उससे भी हम जो हमारा नॉट लगाया था उसमें एक धागे को पकड़ करके हम पाइपिंग कर लेंगे, दो धागे को पकड़ के पाइपिंग करेंगे। ये देखिए दो हो गया ना, और वापस से फिर से एक बार और इसी पाइपिंग को हम रिपीट करेंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से हम पाइपिंग करेंगे। तो देखिए हमारा ये पाइपिंग एक डिज़ाइन हो गया ना इस तरीके से कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो फोर कॉर्ड आता है ना उसको पकड़ करके हमें सिंपल सा नॉट लगा देना है। ये देखिए ये हमारा फाइनली एक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। ये डिज़ाइन बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस करते हुए हम अपने लेफ्ट साइड में भी सेम डिज़ाइन ऐसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड में सेम डिज़ाइन बना लिया है। अब हमें जो बीच का जो दो कॉर्ड आता है ना उसके नीचे वाले में उसको ले लेना है और एक मोती डाल देनी है। ये देखिए ये मोती डाल देनी है और उसके बाद जस्ट उसके बगल वाला जो कॉर्ड है ना जो जिसमें हमने सिंपल सा नॉट लगाया था ऊपर की साइड में, तो दोनों साइड से दो दो कॉर्ड ले लेंगे और उसके बाद एक एक करके हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये देखिए बाकी के मैंने साइड के फोर धागे छोड़ दिए हैं दोनों साइड से, और उसके बाद जो धागा आएगा फर्स्ट वाले को हम लेकर के पाइपिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हम धागा ले रहे हैं उसको हम राइट हैंड से पाइपिंग कर रहे हैं। ये देखिए तो एक हमारा पाइपिंग बन के रेडी हो गया है राइट हैंड का, और उसके बाद फिर से हम एक लाइन और घुमा देंगे पाइपिंग का। फ्रेंड्स अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है जिस पे मैं वीडियो बना करके अपलोड करूँ, आप लोग को सिखाऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का डालना है, आपको क्या सीखना है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने की और वीडियो डालने की। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने पाइपिंग कर लिया है और जो हमारा पाइपिंग चल रहा है वो अभी लास्ट है। और जो मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया था इसका मेजरमेंट फ्रेंड्स आधे मीटर से भी कम है, मतलब आधा मीटर आप ज़रूर लें, ठीक है। और ये देखिए उसके बाद जो फोर कॉर्ड आते हैं वहाँ पर हमें पाइप सिंपल सा एक नॉट लगा देना है। और नॉट लगाने के बाद जो बाकी एक्स्ट्रा कॉर्ड बच जाते हैं थोड़े बहुत जो भी आपके पास बच जाते हैं उस सारे को हमें कट करके पीछे की साइड में स्टिक कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया और घुमाने से ही इस टाइप का डिज़ाइन बन करके रेडी हो जाता है। तो बिल्कुल यही डिज़ाइन हमें पूरे रिंग में बना करके रेडी कर लेना है। ये देखिए ये मेरा इधर जाएगा ना, तो इस तरीके से आप सारे रिंग में यही डिज़ाइन रिपीट कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे रिंग में यही डिज़ाइन को बना लिया है, और बनाने के बाद मेरे जो डिज़ाइन आए हैं टोटल एक साइड में फोर डिज़ाइन आए हैं और एक साइड में फोर आए हैं, मतलब टोटल मैं यहाँ पे एट डिज़ाइन आए हैं, यानी कि आठ डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम गणेश को एकदम पक्का कर देते हैं, यानी कि बांध देते हैं ताकि ये हिले अब नहीं और हमारा जो रिंग में गणपति हैं अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड लिया है, इसका मेजरमेंट वन मीटर है, और कॉर्ड लेने के बाद जो हमने ईयर बनाने के लिए जो अलग से कॉर्ड अटैच किया था ना बिल्कुल वही में हमें एक धागा अटैच कर देना है, ऊपर की साइड से डालना है और पीछे की साइड से हमें निकाल लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद इक्वल कर ले, और इक्वल करने के बाद गणेश को जो है आप पीछे की साइड पलट दे, और पलटने के बाद जो सिंपल सा नॉट होता है ना बिल्कुल वही वाली नॉट यहाँ पे हमें लगानी है। तो फर्स्ट वाला मैंने थोड़ा जूम भी किया है, तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड में धागे को पकड़नी है और रिंग के नीचे से धागे को ले जाके एक जो सिंपल सा नॉट हम लगाते हैं ना बस वही वाली नॉट है। ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ सिंपल वाली नॉट में जो था कि आप एक धागा स्ट्रेट रहता था, यहाँ पे एक धागा स्ट्रेट नहीं रखना है और रिंग को स्ट्रेट समझना है, और बाकी यहाँ पे सिंपल सा नॉट लगा करके रेडी कर लेना है। आधी रिंग ही हम लगाएंगे, आधी फिर राइट साइड से जब धागा अटैच कर देंगे ना उसमें हम लगाएंगे, ओनली आधी रिंग ही लगाएंगे। ये देखिए आधा रिंग में हमने यहाँ पर कर लिया है, आप देख सकते हो सिंपल सा नॉट लगा लिया है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसको कट करके स्टिक कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स आधी हो गई है और बिल्कुल पीछे आगे की साइड घुमा लेंगे तो अभी से ही गणपति जो हैं एक ही साइड बांधने से काफ़ी आपको अच्छा फील होगा, मतलब अच्छे से सेट हो जाएगी। बिल्कुल दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस हम करेंगे और बांध देंगे गणेश जी को ताकि रिंग में अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोनों साइड में बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हुए बांध लिया है और जो हमारा गणेश है ऊपर का जो मुकुट है अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके ईयर की तरफ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने ईयर का जो धागा है, ईयर का जो धागा होता है ना, जैसे एक धागा एक दो धागा रहते हैं, तो ये देखिए मैंने ऊपर से जो धागे होते हैं उस ऊपर से दो धागे को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और स्टिक कर दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर का धागा मैंने यहाँ पे छोड़ा है, फिर उसके जस्ट बगल वाला धागा को हमने स्टिक कर दिया, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद फिर एक धागा छोड़ा और फिर दूसरे धागे को स्टिक कर दिया, बिल्कुल यही स्टेप रिपीट किया है। और टोटल यहाँ पर जो धागे हैं वो 13 यानी कि 13 धागा हम छोड़ देंगे और बाकी सारे धागे को हम स्टिक कर देंगे। हमेशा आप नीचे की साइड से काउंट करेंगे ना, जो कानों का नीचे का पोर्शन है वहाँ से आप काउंट करेंगे, तो अगर आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि ये देखिए मैंने ऊपर से काउंट करके भी दिखा रही हूँ या नीचे से आप काउंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो टोटल 13 है यानी कि 13 है यहाँ पे धागा छोड़ा हुआ है। एक धागा छोड़ा, एक धागा स्टिक किया, एक धागा छोड़ा, एक धागा स्टिक किया। मैंने आपको नहीं दिखाया है वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हैं, इसकी लंबाई जितनी रखनी है आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर मैं फिंगरों से नाप करके रख रही हूँ, अंदाजे से अगर इंची टेप्स की बात करें तो यहाँ पर 10 इंच जितना हमें रखना है और उसके बाद धागे को कट कर देना है। धागे को कट करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे धागे को कट कर दिया, उसमें एक मोती, एक धागे में एक मोती डालनी है। मैं यहाँ पे ब्लू कलर की मोती यूज़ कर रही हूँ, तो ये देखिए एक धागे में एक मोती हमें डाल लेनी है। और मोती डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने रेड जो एंकर लेके रखा था ना, जिसको हम गदा भी लटकन भी बोलते हैं, उसी में एक गदा को हम डाल लेंगे और उसके बाद लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है और इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला धागा है ना उसी को हम उसी तरीके से हम कट करेंगे। एक इंच जितना डिस्टेंस रखेंगे, मतलब जो हमारा गदा है ना उसके जितना आप धागा कट करें, वापस से जब मुड़ के स्टिक होती है ना तो वो अच्छी सी शेप आ जाती है। तो ये देखिए मेरा जो गदा है यानी कि एंकर है उसी के अंदाजे से मैंने नेक्स्ट वाला धागा भी कट किया है और उसके बाद फिर से मोती लगाया है। और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का लटकन लगा रही हूँ, मैं यहाँ पर दो कलर में यूज़ कर रही हूँ लटकन, आप चाहो तो एक कलर में भी बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो गदा है उसको रख लिया है और देखिए कितनी अच्छी शेप आ रही है इसकी। तो इस तरीके से आप मेज़र भी करके देख सकते हो कि इस तरीके का होना चाहिए, एक दूसरे के बगल में ऐसे एक ट्रायंगल जैसा शेप बनना चाहिए जब हम एंकर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने शेप देखा और उसके बाद धागे को स्टिक कर दिया। तो बिल्कुल यही स्टेप रिपीट करते हुए सारे में हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए फिर से एक और दिखा रही हूँ, ऐसे धागा कट करना है और एक ट्रायंगल शेप जितना हमें बना करके रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने सारे धागे में एंकर लगा दिया है यानी कि जो गदा बोलते हैं वो लगा दिया है। और फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा सा बीच में गैप दिख रहा है तो उस गैप को हम भर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गैप फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो गैप है उसमें हम क्या किया, जो वेस्ट हमारा धागा बचा था ना इसी में से जो कटिंग का धागा बचा था उसको हम ले लेंगे और एक धागे को स्टिक कर देंगे लगभग आधे मीटर जितना। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि एक नॉर्मल सी गांठ लगा देंगे। ये देखिए थोड़ा जूम कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे जो आप कहीं से भी कर सकते हैं, एक सिंपल सा नॉर्मल सा गांठ लगा दे या पैपिन लगा दे, जो भी आपको ईजी लगे वो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं नॉर्मल से एक जो पैपिन होती है ना वो कर रही हूँ, तो 2 टाइम घुमाने से मेरा एक इस तरीके का गांठ बन जाएगा और उसमें से एक धागे को हमें कट कर देना है और उधर ही स्टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है, उसके बाद फिर से हम पलट लेंगे और जो हमने धागा काटा था ना वहाँ पे हम जो उसके बगल वाला धागे से मेज़र कर लेंगे और उसके बाद उससे थोड़ा सा मतलब आधा इंच बड़ा हम रखेंगे और
धागे को कट कर देंगे। ये देखिए आधा इंच बड़ा रखा और धागे को हमने कट कर दिया और यहाँ पे दो रेड ही हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं बीच में ग्रीन लगा रही हूँ। तो एक मोती डाल देना है और उसके बाद उसमें एक ग्रीन गदा डाल देना है और लटकन डालने के बाद, गदा लटकन जो भी आप बोलो, तो डालने के बाद हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, धागे को हम स्टिक कर देंगे तो हमारा ये इधर का भी डिज़ाइन हो जाएगा और बहुत खाली खाली नहीं दिखेगा। तो ये देखिए अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो इसको हैंग करने के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि छोटा वाला रिंग हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया था, तो हैंग करने के लिए यहाँ पे आगे की डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धागा, ये है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर का ग्रीन कलर का धागा ले लिया है और जो हमने ऊपर में अटैच किया था ना उसके बीचों बीच में ये ग्रीन कलर का धागा हमें अटैच करना है। जैसे नॉर्मली रिंग में धागा अटैच करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद यहाँ पे हम पैपिन करेंगे, इसको पैपिन नहीं बोल सकते, गांठ लगाएंगे। तो नॉर्मल सी एक बार जो हम नॉर्मल पैपिन करते हैं ना वो वाली कर लेनी है और उसके बाद फिर नीचे की साइड से, ध्यान से देखिए, नीचे की साइड से धागा लेते हुए ऊपर की साइड में खींच लेना है। तो इस तरीके का हमारा जो एक नॉट है वो बन करके आएगा। जैसे हम रिंग में धागा अटैच करते हैं तो हमारा जो ऊपर का नॉट दिखता है ना, बिल्कुल वही वाला नॉट यहाँ पर बन के आएगा। मैंने ये नॉट भी अपनी बेसिक वाली वीडियो में दिखाई है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो फ्रेंड्स बस यही स्टेप रिपीट करते हुए टोटल यहाँ पर 20 टाइम हम लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 20 टाइम गांठ लगा दिया है और आप इस तरीके से भी मेज़र करके देख सकते हो कि आपको कितना बड़ा या छोटा चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको बड़ा भी बना सकते हो और छोटा भी बना सकते हो। तो हमने फिर जहाँ से धागा को अटैच किया था फिर से वही वाले उधर ही धागा हमें निकाल लेना है, ऊपर से डालना है और नीचे से वो धागा को निकाल लेना है और जस्ट जो हम गांठ लगा रहे थे उस वाले से एक सिंपल सा गांठ लगा लेना है। अच्छे से टाइट करके गांठ लगाएं फ्रेंड्स, सिंपल सा ही लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सिंपल सा गांठ लगाने के बाद फिर अब पीछे की साइड में हम घुमा लेंगे और घुमाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा उसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद स्टिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया है और फाइनली हमारा जो हैंग करने का था वो भी बन गया है और बहुत ही ब्यूटी। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली जो हमारा गणपति जी हैं वो बन करके रेडी हो गए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आई होप सो आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है जिसपे मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए भी ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।